वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करेंगे आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में। देखो, आईडीएफसी के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इनको आरबीआई का जो है वो अप्रूवल मिल गया। मोस्ट प्रॉब्ली फेब डेट्स आ रही थी पहले, बट अभी अपडेटेड डेट्स आएंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी चीज, आप एक चीज समझो कि इस कंपनी का रिजल्ट आ रहा है 31 जनवरी को। अच्छा, आईडीएफसी लिमिटेड को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? देखो, एक चीज बताता हूँ, इसमें मेरी भी पोजिशन है, मैं आपको ये चीज बता के चलता हूँ। हाँ, दूसरी चीज, आईडीएफसी लिमिटेड को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, सोलली अगर आप स्वैप रेशो देखोगे ना, तो आईडीएफसी का जब मर्जर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में, अगर आप आईडीएफसी होल्ड करते हैं तो आपको 10-15% का गेन तो वैसे ही मिल रहा है स्वैप रेशो में। तो वो एक बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इस समय आईडीएफसी को होल्ड करके बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज, लास्ट यहाँ पे डिविडेंड 13 फेब 2023 को देखने को मिला था। अब यार, आईडीएफसी के अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन और सबको डिस्कस कर भी लेते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पे कुछ समय बाद में मार्केट से हट जाना, डीलिस्ट हो जाना, तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है मतलब इन चीजों को डिस्कस करने का। इसलिए हम लोग ज्यादा फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे ना चार्ट्स पे डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो, एक चीज यहाँ पे देखते हैं, 131.20 पे जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आया आज। इनफैक्ट यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी ऊपर देखने को मिली है, बट वॉल्यूम स्पर्ट उस तरीके का नहीं है। हाँ, जनरल वॉल्यूम से थोड़ी सी ज्यादा है, बट उस तरीके का नहीं है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है उसका मोमेंटम बना सके। तो ये चीज एक फैक्टर है जो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज, एक बार मैं देखता हूँ इसका मैक्स क्या चल रहा है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही है, सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। अगर 131 का लेवल ब्रेक करता है स्टॉक एंड इसके ऊपर जाने लगता है, तो ये जो मोमेंटम था वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि कुछ समय के लिए हॉल्ट हो गया था यहाँ पे। एंड देयर आर चांसेस कि हमें लग रहा है कि वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा। हम लोगों ने आज के दिन में ऑल्दो एक इनिशियल पोजिशन बनाया है, बट आपको इनिशियली फैक्टर यही समझना है कि एक चांस ये भी रहेगा कि यहाँ से दोबारा एक पुल बैक देखने को मिले, फिर स्टॉक ऊपर निकले, या फिर इस जोन को कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। तो दो तीन पॉसिबिलिटीज है, बट इन एंड आउट यहाँ पे एक अच्छे लेवल्स पे हमें जो है आईडीएफसी देखने को मिल रहा है, तो आपको वो फैक्टर समझना है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 131 के ऊपर जाने के बाद में, तो इनिशियली भी अगर हम लोग एक जोन देखते हैं, देखो ये जो जोन था समवेयर क्लोज डाउन टू 16% का जोन था, बीइंग मॉडेस्ट भी अगर हम लोग यहाँ पे बहुत इजी जोन देखते हैं 8% का भी, तो समवेयर क्लोज डाउन टू 142-143 के लेवल्स हमें यहाँ से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ स्टॉप लॉस की, देखो मैंने नहीं लिया है स्टॉप लॉस बिकॉज मैंने आज अपने पोजिशंस को और ऐड किया है, एंड मेरे पास प्रीवियस भी है, तो मेरी एवरेज एक बेटर प्राइस पे ऐड, मैंने वैसे भी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से लिया हुआ है, तो मैं तो नहीं सेल कर रहा अभी आईडीएफसी को, और जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलेगा तब भी नहीं। बट अगर आप यहाँ पे पोजिशन सिर्फ एक मोमेंटम के हिसाब से बना रहे हैं, तो 123 के नीचे अगर निकलता है एंड 122 के नीचे क्लोजिंग मिलने लगती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 122 के नीचे क्लोजिंग मिल रही है तो वो एक अच्छा जोन हो सकता है स्टॉप लॉस के हिसाब से। बट विद दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।